वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सैंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। इट्स अ जर्नी ऑफ फाइबर टू बिकम अ फैब्रिक। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे एक फाइबर फैब्रिक बनता है। सो स्टार्टिंग विथ, एज यू ऑल नो कि हम किस मेथड से पढ़ते हैं। आपने देखा है कि डिस्प्ले बोर्ड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है आपको, आप पैरेलल उसके आप नोट डाउन करते रहिएगा चीजों को। ओके, आप अच्छे से चीजों को बखूबी समझते हैं। तो स्टार्टिंग विथ फाइबर्स, कि फाइबर होते क्या है। जैसे आपने कॉटन को देखा है, ओके, रुई कॉटन की बात कर रहा हूं मैं, तो रुई को देखा होगा। जब कॉटन की बात करते हैं हम पर्टिकुलर, तो जो कॉटन है वो एक फाइबर है। कॉटन जो है एक फाइबर है। अब इस फाइबर को हम करते क्या, इस फाइबर को हम कन्वर्ट करते हैं यार्न में। इस फाइबर को हम कन्वर्ट करते हैं यार्न। अब यार्न क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा बंडल होता है, ट्विस्टेड बंडल होता है, जिसमें वी अरेंज दी फाइबर्स टू मेक इट फैब्रिक। यार्न जो होता है पर्टिकुलर प्रोसेस से जाता है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आपको फाइबर समझना है। फाइबर का मतलब क्या है, इट्स अ थ्रेड लाइक कंपोनेंट्स, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ऑब्टेन नेचुरली और बाय सम अदर सोर्स, उसको हम कहते हैं फाइबर। और ये फाइबर हेल्प करता है फैब्रिक बनाने में। अब जो फाइबर्स हैं ये एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक होता नेचुरल फाइबर, एक होता आर्टिफिशियल फाइबर। जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसको आप मैनमेड फाइबर भी कह सकते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले नेचुरल फाइबर की, तो नाम में ही क्लियर है, नेचर। ये फाइबर्स आपको कहां से ऑप्टेन होने वाले हैं, नेचर से। द फाइबर विच ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, जूट इज अ नेचुरल फाइबर, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। आई पसंद आपको इतनी सी। तो नेचुरल फाइबर क्या है, जो नेचुरली ऑप्टेन होते हैं और जिसको हम यूज करते हैं, उस फाइबर को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। नाउ वी आर बैक टू दी मैनमेड फाइबर, जिसको आप आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। अब मैनमेड फाइबर होते क्या है, ये फाइबर्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपके सॉक्स देखे हो तो ये नायलोन के बनते हैं। देखा अलग सा कपड़ा आता है ना, तो नायलोन कौन सा फाइबर है, नायलोन एक सिंथेटिक फाइबर है। मैं बात कर रहा हूं प्लास्टिक की, प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर है। तो इस पूरी जर्नी में आप देखेंगे कि कैसे फाइबर यार्न में कन्वर्ट होता है और यार्न कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। हमने देखा कि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। अब ये कैसे प्रोसेस में जाता है, फैब्रिक कैसे बनता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइनिंग। स्पाइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इंटू यार्न, दैट इज कॉल्ड स्पाइन। अब स्पाइन क्यों, इसमें क्या, उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं हम पर्टिकुलर, और यार्न में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पाइन। फिर इसके बाद हम एक प्रोसेस और करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेविंग। वेविंग में क्या करते हैं, एक यार्न लिया, दूसरा यार्न लिया, दोनों के सेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टूगेदर एट अ राइट एंगल, हाँ 90 डिग्री ऐसे, ओके okay? तो उसमें अरेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेविंग। जब दो सेट्स लेते हैं तो हम उसको कहते हैं वेविंग, और जब एक सेट लेते हैं सिंगल यार्न तो हम उसको कहते हैं निटिंग। आपके जो सॉक्स वगैरह बनते हैं वो निटिंग की प्रोसेस से बनते हैं, सारे कन्वर्ट होते हैं यार्न, फिर यार्न से हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड निटिंग, ओके। तो वो निटिंग कहलाता है और ये कहलाता है वेविंग। आई होप आपको इतनी सी चीज समझ में आई। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, जो हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला है, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मेनमेड, आर्टिफिशियल, और स्पाइनिंग, और वीविंग, और निटिंग। ये दो चार डेफिनेशंस हैं जिसको आप कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन द माइंड, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, जो आर्टिफिशियल है वही मेनमेड है, क्योंकि उसको हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। और जो नेचर ने बनाया है, जो भगवान ने आपको रेडीमेड दिया है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस।